हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी लाउड यस, एंड यू क्लियर। ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली मतलब जब भी मैं भी मतलब पर्सनली ऐसे दावत का काम नॉर्मली बातचीत में हो जाती है तो मोस्टली क्वेश्चंस ये रहते हैं, एथिस्ट जो या फिर एग्नोस्टिक होते हैं उनसे। जैसे आपने इस सेशन में बोला था कि जैसे कोई चोरी करता है या कोई डाका डालता है या कोई किसी के जहन में आता है कि हमें ये काम नहीं करना है बिकॉज हमें अपने क्रिएटर अपने खालिक का डर रहता है, दैट्स व्हाई वो नहीं करते। उनसे मतलब यही पूछते हो ना कि आप ये, हाँ मैंने यही पूछा था कि आप चोरी नहीं करते हैं या आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, उससे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप ये काम मतलब करोगे, आपको फायदा होगा या जो भी है। तो आपके मन में ये चीज आती है कि हाँ क्रिएटर है इसलिए ही तो आती है, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बस ये है कि हमें ऐसा डर नहीं है कि क्रिएटर है, नहीं हम एथिस्ट हैं, बस ये है कि वो इमोशन मतलब बोलते हैं कि हम इमोशनली सोचते हैं कि अगर हम पे ये चीज हो रही है तो हम नहीं चाहेंगे कि दूसरों पे भी, वो ये इस तरह का मतलब आंसर देते हैं, तो इस चीज को कैसे डील करें? ठीक है, देखिए हम उनको क्या कहते हैं कि आपको वो बुरा लग रहा है ना कि किसी के साथ नाइंसाफी, आप उनको पूछिए ना, आपके हिसाब से बुरी चीज है ना, क्योंकि नेचर है उनके अंदर मौजूद। तो किस बुनियाद पे बुरा है वो बताओ उनको। कहा कहो आप ये कहिए कि आपने कहा ये बुरा है ना कि किसी के साथ बुरा मत करो। हाँ, क्यों ना करें, उसके रीजन मुझे दीजिए। आप उनसे पूछिए क्यों ना करें, तो वो कहेंगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सुनो, वो हाँ कहेंगे मुझे उनका नहीं अच्छा यही कहना। लगता है। तो अब आपको मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था आइसक्रीम का, कि आइसक्रीम किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को वेनिला पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट यानी चॉइस, चॉइस की बात है। कहना उनको कहना कि क्या ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये सब लोगों के लिए बुरा जो है वो सबके लिए बुरा है या सिर्फ आपकी सोच के हिसाब से बुरा है, उनको पूछना। और वो कहते हैं कि सबके लिए बुरा है, तो आप पूछोगे क्यों बुरा है, क्यों बुरा है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो मोरालिटी है, उसके लिए रिलीजन और गॉड का एग्जिस्टेंस लाजिम है। अगर गॉड का एग्जिस्टेंस कोई नहीं नहीं बिलीव करता, तो वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में नहीं बिलीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर कोई मर्डरर कहेगा कि भाई मैं मर्डर करता हूं, मुझे इतने पैसे मिलते हैं। हाँ, मैं मर्डर करता हूँ तो मैं गलत काम करता हूँ, लोगों की प्रॉपर्टी लूटता हूं, तो मुझे इतने ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है। उसकी सब्जेक्टिव रियल मोरालिटी ये है कि नहीं, गलत नहीं है। हाँ, अडॉल्फ हिटलर उनके अलावा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जर्मनी के जर्मन लोग, आर्यन से हम लोग, हमारे पास हक है कि दुनिया पे हुकूक करें, पे रूल करें। ये क्या है? सब्जेक्टिव मोरालिटी है। हम कहते हैं कि ये चीज गलत है, आप किस बुनियाद पे गलत बोल सकते हो, किस बुनियाद पे? उसको तो लग रहा है ये सही है, तो सामने वाले को जब ये लगता है कि वो सही है, तो किस बुनियाद पे आप उसको गलत बोल सकते हो? आप यहां तक डिस्कशन को लाना है। चलो मैं लेके आया, आपको क्या लगता है सामने वाला क्या जवाब देगा? सामने जी, वाला तो अगर ये कहा मोस्टली जाए जिनसे तो भी सामने वाला क्या जवाब देगा? डिबेट हुआ है जो एग्नोस्टिक है एथिस्ट, वो यही कहते हैं कि हम पे जो हम पे अगर होगा तो हमें वो चीज अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज हमारा लॉस होगा उस चीज से मोस्टली, या तो मेंटली तो तौर हमारा पे लॉस या होगा फिर तो फायदा होगा तो सही हो गया। उनको इस चीज में क्या होता है, एक्सपोज करना होता है कि जब अगर फायदा हो तो ठीक हो गया। तो यहाँ पे उनको बताना है कि ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फायदा होगा तो सही, जो गलत है वो गलत ही है, जो गलत है वो गलत है। और ये चीज क्या है ना सिस्टर, आप इसके अंदर समझें कि एक होती है इंसान की फितरत। हाँ, वो नफ्स जो है वो भी गवाही देता है कि ऐसा नहीं है, गलत गलत ही है। वो ऐसा नहीं कि मुझे गलत लग रहा है गलत है, वो मर्डरर के लिए सही है, वो रेपिस्ट के लिए सही है, वो डिक्टेटर के लिए सही है। गलत है ना, सबके लिए गलत है। जो गलत है वो गलत ही है, सबके लिए गलत है। और इसकी बुनियाद क्या है? गॉड और अकाउंटेबिलिटी, हिसाब। क्योंकि अगर हिसाब नहीं है ना, तो जो आपके लिए गलत है वो मर्डरर के लिए सही है, वो डॉन के लिए सही है। आपके लिए गलत है, आप मत करो मर्डर, आप पकड़े होंगे, आपके लिए गलत है। नहीं, वो गलत जो डॉन के लिए भी गलत है। ये कैसे होता है? जज, हाँ वो जज होगा तो जाके बात होगी। वो जज कौन है? अल्लाह। अगर अल्लाह नहीं है ना, तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्टिव मोरालिटी है। समझ रहे हैं आप?